Hello children, welcome back again in Vidyaniketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start a very important essay for you. Today's our essay is about the daily routine of the student, how they spend their time from the beginning of the day till the night. So, night start, our essay, a day in the life of a student. My day always begins with my mother's word. Good morning dear. When she pulls the curtain.

माँ के शुभकामना के साथ सुप्रभात की शुभकामना के साथ शुरू होता है जो अपने बच्चे को प्रतिदिन बोलती हैं वो पर्दे को खींचती हैं घर जो कमरा होता है उसमें सनलाइट आ जाते हैं और अब माँ जो हैं वो अपने बच्चे को कहती हैं कि जल्दी से उठ जाओ क्योंकि उठ के तुम्हें चमकना है एक एक्साइटिंग डे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है जल्दी से उठो एक रोमांचक डे एक्साइटिंग डे मीन्स एक रोमांचक दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ आई गेट रेडी फॉर स्कूल एंड गोबल माई फूड एज माई स्कूल बस सिग्नल दैट इट कैन वेट एंड नो एनी वेट एनी लॉन्गर स्पिटिंग स्प्रिंटिंग एज फास्ट एज आई कैन ऑफ आई होप इन टू द बस आई ग्रीट माई फ्रेंड्स एंड टॉक अबाउट द क्रिकेट मैच विच आई एन्जॉय द डे बिफोर मैं जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करके और जल्दी से जाकर बस में बैठ जाता हूँ और बस में बैठकर मैं, मैं अपने दोस्तों को ग्रीट करता हूँ उनका अभिवादन करता हूँ गुड मॉर्निंग कहता हूँ और उसके बाद हम उस बात की चर्चा करते हैं जो एक दिन पहले हमने क्रिकेट मैच देखी थी उसके बारे में द टेन किलोमीटर डिस्टेंस डज नॉट सी मच एंडोर आर डि वी आर देयर एट द स्कूल गेट दस किलोमीटर का सफ़र ऐसे पूरा हो जाता है जैसे अभी ही शुरू हुआ हो और हम तुरंत ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं एट द नेक्स्ट मोमेंट वी आर एट असेंबली हॉल वेयर वी डू आर प्रेयर एंड फाइनली रिटर्न टू आर क्लास जैसा कि आप सभी करते हैं बैग रखने के बाद क्लास में आप असेंबली हॉल में जाते हैं प्रेयर होती हैं और इसके बाद आप बैग अपनी क्लासरूम में आ जाते हैं समटाइम वेन आई एम अबाउट

मैं क्या हो जाता हूँ नर्वस हो जाता हूँ लेकिन नर्वस होने से काम तो नहीं चलेगा है ना क्योंकि ये हमारी पढ़ाई का एक पार्ट है सरप्राइज टेस्ट जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं ठीक है ऐसा वो बच्चा सोचता है ऐसा एक स्टूडेंट सोचते हैं आफ्टर द टेस्ट इज ओवर एंड वी ऑल डिस्कस इट हिस्ट्री पीरियड फॉलोज हम इसके बारे में बातें करते हैं जो हमारा टेस्ट हो चुका होता है उसके बारे में और नेक्स्ट पीरियड हमारा हिस्ट्री का शुरू हो जाता है आई गेट एक्साइटेड आई लव हिस्ट्री बट आई कांट से वेदर इट इज बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एंसेंट किंग्स एंड देयर एडवेंचर्स और इज इट बिकॉज सिप्रा मैम टीचर द सब्जेक्ट इन ए वे दैट आई एम कम्प्लीटेड टू लाइक इट सिपरा मैम की वजह से जो हिस्ट्री है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है मुझे प्राचीन राजाओं के बारे में और उनकी कहानियों को सुनना या पढ़ना बहुत पसंद होता है इसलिए मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द किंग हु आज क्रूअल वंस बट लेटर गेव अप वॉर सी बिगिंस उन्होंने कहाँ से शुरुआत की उन्होंने शुरुआत की कि मैं एक ऐसे राजा के बारे में कह रही हूँ कि जो कि बहुत क्रूर था लेकिन बहुत जल्दी ही उसने युद्ध को छोड़ दिया

इन क्लास सिक्स सेक्शन बी और ये कहानी ख़त्म होते ही हिस्ट्री का पीरियड खत्म होते ही वापस मैं मगध से लौट आता हूँ अपने क्लास सेक्शन सिक्स बी में साइंस फॉलोज इसके बाद साइंस का पीरियड शुरू हो जाता है हिस्ट्री एंड देन जस्ट बिफोर द रिसेस और उसकी हिस्ट्री हो जाती है साइंस हो जाती है और इसके बाद रिसेस हो जाता है यानी कि लंच ब्रेक हो जाता है वी हैव मैथ्स और उसके बाद का जो पीरियड होता है वो मैथ्स का होता है इट इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट जो कि मेरा प्रिय सब्जेक्ट नहीं होता है मेरा प्रिय विषय नहीं होता है सिंस नंबर ऑल इज कैर मी क्योंकि नंबर से मुझे बहुत डर लगते हैं बट आई लाइक पार्थो सर मैं लेकिन मैं पार्थो सर को बहुत पसंद करता हूँ जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते हैं आर मैथ्स टीचर बिकॉज ही नेवर आस्क मी टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड क्योंकि वो हमें कभी मुझे कभी भी बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाते हैं आई थिंक ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम मैं सोचता हूँ कि शायद वो मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं अगले ही क्षण क्या होता है प्रियम गुप्ता आई हीयर ही टेक माई नेम मैंने अगले ही क्षण सर को मेरा नाम बुलाते हुए सुना कम टू द ब्लैक बोर्ड आ जाओ ब्लैक बोर्ड के पास आई गेट द सेकेंट ऑफ़ द डे अब ये दूसरा शौक था मेरे लिए एक तो सरप्राइज टेस्ट वाला था और सेकंड टेस्ट था मैथ्स टीचर का ब्लैक बोर्ड के पास आकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना तो ये सेकंड शौक हो जाता है आई गेट द सेकंड शॉक ऑफ़ द डे सर आस्क मी टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड सर क्या कहते हैं मुझसे सर कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ और न्यूमेरिकल एक न्यूमरिकल प्रॉब्लम होता है जिसको बोर्ड पर सॉल्व करना होता है आई कंसिडर इट अ नाइट मेयर एंड रिफ्यूज टू मूव आउट माई सीट मैं इसको बुरे सपने की तरह सोचता हूँ बट मुझे अपना सीट छोड़ना ही पड़ता है राहुल और मैथ जीनियस टैप्स माई हैंड मैं अपनी सीट को छोड़कर उठता हूँ ब्लैक बोर्ड की तरफ जाने के लिए राहुल और मैथ जीनियस जो कि रा, राहुल जो होता है मेरे क्लास का वो मैथ जीनियस होता है क्योंकि उसके उसका जो मैथ्स है बहुत अच्छा होता है और टैप्स माई हैंड एंड विस् पर वो मेरे हाथ को दबाता है और धीरे से कहता है इट इज नॉट डिफिकल्टे बहुत मुश्किल सवाल नहीं दिया है सर ने बोर्ड पर तुम्हारे लिए यू जस्ट नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली बस तुम्हें जरूरत है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आई रीच द ब्लैक बोर्ड स्लोली एंड डू एज राहुल आस्क नीड टू डू मैं ठीक ब्लैक बोर्ड के पास जाता हूँ और धीरे से जाकर जैसा कि राहुल ने कहा था मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ आफ्टर मैं वापस आ जाता हूँ प्रॉब्लम को सोल्व सॉल्व करके ब्लैक बोर्ड पर और मैं एक झलक राहुल को देखता हूँ हीज इज स्योरिंग स्माइल इंडिकेट्स दैट आई सॉल्व द प्रॉब्लम एक्यूरेटली एक्यूरेटली मैं जब उसके राहुल की तरफ देखता हूँ तो उसकी स्माइल से मुझे ऐसा लगता है जैसे उस वो कह रहा हो कि घबराने की जरूरत नहीं है तुमने प्रॉब्लम को एकदम सही सॉल्यूशन सही तरह से सॉल्व किया है एवरीबॉडी क्लैप्स फॉर मी एंड आई एम हैप्पी सभी मेरे लिए क्लैप करते हैं ताली बजाते हैं और मैं खुश हो जाता हूँ आई थैंक राहुल फॉर हीज हेल्प मैं राहुल को थैंक करता हूँ उसकी हेल्प के लिए राहुल ने क्या हेल्प की थी सिर्फ उसे कहा था कि तुम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तुम इसे सॉल्व कर सकते हो द रेस्ट ऑफ द डे गोज ऑन अ सिमिलर मैनर एंड From 1:30 PM onwards, I can't stop staring at the clock. I often wonder why the clock takes a long time to reach 2 PM. हर दिन की तरह समय बीत बीतता चला जाता है जब डेढ़ बजता है मैं ये सोचता हूँ कि ये घड़ी दो बजाने में कितना वक्त लगा देती है। फाइनली द बेल रिंग अब दो बज जाते हैं और जो स्कूल की बेल होती है वो बज जाती है माई स्कूल गेट्स ओवर एंड माई फ्रेंड्स एंड आई विज एंड आई रश टूवर्ड्स द स्कूल बस गे और जैसे ही घंटी बजती है मैं और मेरे दोस्त कहाँ जाते हैं कहाँ जा पहुँचते हैं स्कूल बस के पास आई रीच होम एंड मदर आस्तमीम अबाउट माई डे एट स्कूल वाई आई इंजॉय अ डिलीसियस मेल द लेटर हाफ ऑफ द डे इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़ प्लेइंग क्रिकेट homework and watching television at night i finish my dinner and retire to my room i read a little and then prepare a prepare to fall sleep so that i wake up for another exciting day and rise and shine or मैं इस तरह से अपने दिन को complete करता हूँ और अगले दिन के लिए फिर से rise होने के लिए साइन होने के लिए मैं सो जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है आप इस ऐसे को लिखें इसे लर्न करें क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है आपके एग्जाम के लिए थैंक यू हैव हैवी नाइस डे मिलते हैं अगले ऐसे में अगले वीडियो में